सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। संजू भाई हट जाओ। क्या घटना रही यहाँ? वो ऐसे यहाँ से जा रहे थे, वो भेट में से आ रहे थे कहीं से, तो उसके बाद यहाँ पे जा रहे थे तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर नहर में कूद गई। उसके बाद वहाँ पे 5 की मौत हो गई, ऑन स्पॉट हो गए। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ किल्ला रहे थे लड़के, तो हमने देखा मैंने कि कोई घटना हो रही है आगे जाके, तो हम देखा आगे जाके गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नहर में पड़ी हुई थी। उसके बाद उसे उनको निकाला, दो को निकाल लिया हमने। फिर हमने हल्ला मचाया तो गांव के ग्रामीण आए थे, ग्रामीणों ने फिर सब सहायता करके फिर सबने 3 बंदों को निकाला। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई? 5 बंदों की मौत हुई थी, 5 लोगों। अच्छा, आप कहाँ थे? हम यहीं पे थे, नहर पे आए थे हम वो लेने सब्जी शाम को, तो जब देखा हमने किसी को हल्ला मचाते हुए हम जब वहाँ पे गए। अच्छा, पुलिस को सूचना दी? पुलिस तो बहुत बाद में आई थी, पुलिस बहुत दरिया भेटती भेट में आ रहे थे। वो लोग सवार थे, 5-7 आदमी सवार थे गाड़ी में, गाड़ी बैठ करके लौट रहे थे। लौटने के बाद में गाड़ी उस पर कवर नहीं हुई, नहर में जाए कूदी, कूदने के बाद में 5 मौके पे ख़त्म हो गए। उसमें 2 की हालत कैसी है? हालत थोड़ी गंभीर है, वो बढ़ती है। में से किसी पारिवारिक समारोह में, कोई जो इंगेजमेंट जैसा कोई समारोह था, उससे भाग लेके वापस आ रहे थे और उसी समय इनकी गाड़ी पला नहर में पूरी की पूरी गिर गई। 2 लोग जो शीशा तोड़ के थोड़ी देर में निकल सके उनको तो बचाया जा सका, बाकी 5 लोगों की इसमें बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम इनका नहीं कराया गया है और परिवार वाले इनको इलाज के लिए वहाँ ले गए थे और ऐसा बताया गया है प्रथम दृष्टया कि इन लोगों ने कल उस पार्टी में, उस समारोह में काफ़ी शराब पी ली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता भी है कि शराब के नशे की वजह से, क्योंकि वो सड़क कोई चलने वाली सड़क नहीं है, काफ़ी चौड़ी है, कल कोहरा भी नहीं था, तो कोई और कारण ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी गाड़ी नहर में गिरी हो।